देखिए, हमें सूचना मिली थी एक गोल्फ कोर्स रोड पे कि ये रेस्टोरेंट है, इसमें अंदर तीन चार लोग कल रात को खाना खाने के लिए बैठे थे और सर्दी अधिक होने की वजह से उन्होंने कमरे के अंदर अंगीठी नुमा एक चीज़ वहाँ जलाई थी जिसके अंदर कोयले रखे थे और उनको जलाया था। और कमरा चारों तरफ से बंद था जिसमें कोई खिड़की नहीं थी और बाहर से हवा आने जाने का कोई रास्ता नहीं था। अभी प्रथम दृष्टया देखने से ये लगता है कि अंगीठी जलाने की वजह से जो है ऑक्सीजन उस कमरे की ख़त्म हो गई और दम घुटने की वजह से दो लोगों की मृत्यु इसमें हो गई है और दो लोग अभी अस्पताल में हैं। किसी तरीके की और अभी तक हमें मौके से ऐसा देखने में नहीं आया है कि कोई लड़ाई झगड़ा या किसी और तरीके की कोई ऑफेंस यहाँ हुआ हो। सर, पहचान हो चुकी है क्या सभी? जी, पहचान हो चुकी है, जानने वाले थे और भी लोग जो यहाँ काम करते हैं उन्होंने पहचान करा दी है और आगे की कार्रवाई हम लोग अभी कर रहे हैं। सर, क्या कल से और आज तक 24 घंटे हो गया, किसी ने बोला नहीं? ये एक्चुअली क्या था कि ये यहाँ के जो मालिक हैं उन्हीं के जानने वाले थे, तो इस वजह से सब ने सोचा कि शायद सो रहे होंगे और जानकार थे उनके, तो किसी ने उनको बीच में उठाने की कोशिश नहीं की। और जब समय अधिक हो गया तो आज शाम को लोगों ने जैसे ही देखा दरवाज़ा, हालांकि ऐसा नहीं था कि अंदर से बंद हो, दरवाज़ा भी खुला था, लेकिन किसी ने झांक के देखा नहीं क्योंकि जानकार ही थे। तो आज शाम को जब देखा तो उन्होंने देखा कि वो बेहोशी की हालत में अंदर सोफे के ऊपर पड़े। उनकी हालत अभी किस तरह? एक की स्थिर है, एक की थोड़ी सीरियस है, लेकिन लगता है खतरे से बाहर है। ये परिवार के लोग थे, लड़के वगैरह या फ्रेंड सर्कल था क्या? दोस्त थे, सब चार दोस्त थे जो आपस में खाना वाना खाने के लिए, कल एक का किसी का उसमें से जन्मदिन भी था तो वो उस वजह से इकट्ठे हुए थे। और क्योंकि सर्दी थोड़ी ज़्यादा थी तो इन्होंने अंदर कमरे के अंदर अंगीठे जला ली और कोई खिड़की दरवाज़ा ऐसा नहीं था कि जिससे हवा आर पार चली जाए, इस वजह से ऑक्सीजन खत्म हुई और इनकी मृत्यु।